बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक मिनट मैं मैरी की बात सुन लूँ, क्या कह रही है। हाँ जी अम्मा फरमाओ। क्या मुझे दे देना। अच्छा ठीक है, वो मलाइका को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि मैंने वॉइस ओवर करनी है। खैर, ये मैं मसाला भून रही हूँ। प्रेशर में इसलिए भूना क्योंकि जो सालन वाली हमारी पतीलियाँ, उसमें खाना बना रहे थे, तो दूसरी में नहीं बनाया, इसमें हमने बना लिया। चलें आप इग्नोर कीजिएगा। और ये देखें, मलाइका आपको दिखा रही है चावल भीगे हुए, और ये आप मसाला भून रहे हैं। लगता है मलाइका ही भून रही है हाँ जी, क्योंकि मैं अभी जाय नमाज पे थी और मैंने इसे कहा कि मैं आती हूँ। और ये हम एक साइड पर दाल बना रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे दो दो सालन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो बहुत तंग करता है। उसके लिए मैं गोल आलू की भुजिया और अपने बाकी सबके लिए दाल चावल बना रही थी, मूंगी मसूर की दाल, और वो सब कुछ डाल के चढ़ा दी हुई है चूल्हे पे और उनको उबाल आ रहे हैं। और ये देखें, मसाला भुना जा रहा है। जिस तरह ही टमाटर ऑयल में फ्राई होंगे, उतना अच्छा मसाला भुना जाएगा। और ये नमक मिर्च वगैरह अपने हसबे जायका टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बनती है आलू की भुजिया टाइप। थोड़े सा मैंने मसाला ज़्यादा रखा था ताकि चावलों के साथ वो खा लेगा। तो खैर, ज़ीरा, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल सुर्ख मिर्च और नमक वगैरह मैंने डाला है। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, इसमें मैं चिली फ्लेक्स भी डालूंगी और अचार भी डालूंगी, और ताकि उससे टेस्ट अच्छा आए और उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बने। ये देखें अचार, अब इसमें थोड़ा सा मैं अचार ऐड करूंगी। एक साइड पे हमारी दाल रेडी हो रही है और ये बाकी बातें मलाइका आपसे करेगी। तो गाइस, अभी आप सब देख सकते हैं, मम्मा ने आप सबको बता दिया है। और अब पहले मैंने मिक्स किया था, अब मम्मा कर रही हैं मिक्स। और पहले मैं वीडियो बना रही थी और मम्मा जान बस पे थी। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं गोल गोल आलू। 5 मिनट 20 सेकंड। ओके, और अब हम कर रहे हैं इसको मिक्स। ये देखें, आलू हमने गोल शेप में काट हाँ लिए थे। गोल शेप में काटे हैं हमने, इतने पतले इतने मोटे नहीं रखे क्योंकि ना फिर वो इतनी जल्दी पकते नहीं हैं। वैसे मोटे होते भी नहीं आलू की भुजिया में, पतले पतले ही अच्छे लगते हैं। तो हमने पतले पतले की काटे हैं। कुछ लोग वैसे दूसरी शेप में भी बना लेते हैं, हम इस शेप में बनाते हैं। लोग और भी डिफरेंट शेप्स में बना लेते हैं ना। हाँ जी, कभी कभार। और ये वैसे तो हम ज़्यादा इसकी शेप में बैठाते हैं। और अब ये देखिए, इसको अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिली फ्लेक। वीडियो बनाते बनाते मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा कौन खाएगा? अगर मम्मा कहती तुम्हारा भाई। अच्छा, क्योंकि ना इतनी मिर्चें नहीं खाई जाती फिर, इसलिए। और चिली फ्लेक्स में तो ओवर ओवर ही ज़्यादा मिर्ची होती हैं, लेकिन जिन लोगों को मिर्ची पसंद होती हैं वो फिर अच्छी लगती हैं उन लोगों को। और अब हमने करी जैसे कि है, मलाइका के दीदी और भाई स्पाइसी मेरे भाई को ज़्यादा मिर्च अच्छी लगती हैं। लवर्स हैं। हाँ दोनों, मेरी बहन जो है उसको थोड़ी थोड़ी से कम लगती हैं, और लेकिन मेरे भाई को बहुत ज़्यादा। अब हम इसके डाल रहे हैं पानी। अब हम इसको करें मिक्स। ये देख सकते हैं आप सब, उस साइड पे दालों को उबाले आ रहे हैं। इसके जाग गिरने के लिए डर था, बस क्या करें। अभी हम दाल को तड़का भी लगाएंगे। और अब हमने चीज़ें काटी हुई थी, अब हम तड़का लगा रहे हैं। हमने पहले लहसुन छिला हुआ था, उसको डाला है अंदर। और अब हम उसके डालने लगे हैं ऑयल। और देखें, थोड़ा थोड़ा येलो शेड दाल का भी आ रहा है, वो टमाटर वगैरह भी आ रहे हैं नज़र। और ये अब हमने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। हर किसी का चम्मच का हिसाब लेदर लेदर होता है, हमारा लेदर होता है। अब ये हमने चूल्हा बैल से चलाया हुआ था, और अब ये हमने इसके अंदर रख लिया है।
और अब हमने इसके अंदर रख लिया है, बस जा नहीं रहा था लेकिन मम्मा ने रख दिया, बस पूरा आ गया था। और ये दोनों साइडों पे पतीलियां बनी, हाँ जी। और अब हम प्रेशर के ऊपर ढक्कन रख रहे हैं और हमने और हम साबुत ही डाल रहे हैं, वैसे तड़के में साबुत ही डालती हैं। और शुक्र करो गिन नहीं गई हो। और ये हमने चावल भी धोए हैं, मैं अभी मैंने चावल बॉईल करने हैं। वो काफी देर के भिगोए हुए हैं ना, इसलिए ठंडे हो गए इस वजह से। और वो हमने टमाटर भी काट के धोए, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है कि हम जब अदरक काटते थे तब टमाटर हरी मिर्च नहीं काटते, ये टमाटर हमने काटे हुए हैं तड़के के लिए। वो ऑयल में पानी वाली कोई चीज जाए ना फिर उसका शोर आता है, ये दाल का हम सुखा रहे हैं पानी। और गाइस हमने इसके अंदर साबुत ही वो डाल दिया है, हरी मिर्च वैसे हम काट के भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं, एक ही बात है ना। और अब ये दाल पर साबुत भी काट पका के डालते हैं तड़के में। और अब हम इसमें साथ डालेंगे सफेद जीरा। गाइस आप लोग कह रहे होंगे कि दो दो आंडियां क्यों पका रहे हैं, क्योंकि गाइस ये वाली जो आलू की भुजिया ना है ना, ये मेरा दाल चावल मेरा भाई नहीं खाता और इसलिए मम्मा ने उसके लिए पकाई है आलू की भुजिया। वो फुल स्पाइसी वो फुल मम्मा चिली तक डाली, मतलब मम्मा ये कौन खाएगा, जैसे मम्मा कहती हमारा भाई खाएगा। फिर उसके बाद और हमारे लिए दाल चावल पक रहे हैं, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है क्योंकि उसके अंदर इतनी मिर्ची नहीं होती। और जब मम्मा जानते कभी कभार मम्मा डालती देती थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची और कभी कभार नहीं डालती। और ये देखिए हमारा किचन, वो नहीं डालती जब दीदी और भाई ने खाना हो फिर डालती, नहीं तो मैं और मलाइका नहीं खाते मिलते है ना। और गाइस चलो अभी खाना रेडी होगा फिर शेयर करेंगे, क्या कहने लगी हो? कुछ नहीं सोच रही थी मैं। हाँ जी ठीक है। और ये हो रहा है तड़का रेडी, बस थोड़े से टमाटर फ्राई हो जाए और ये आग इसकी तेज की हुई है ताकि दाल का पानी सूख जाए। और ये देखें ज़रा बर्तन कितने जल्दी जल्दी धुल रहे हैं और शेल्फ पे गंद कितना पड़ा हुआ है हमारी। और ये देखें इसमें कितना बुलबुले टाइप आ रहे हैं, टमाटर भी हमने डाल दिए थे और अब हम उसको कर रहे हैं मिक्स। अब ये तड़का हम डालने लगे हैं दाल के अंदर, ये जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है, ये देखें कितने प्यारे प्यारे उबाले आ रहे हैं। ये अब हमने डाल दिया तड़का डाल दिया है हमने, और ये अब हमने तड़का डाल दिया। अब ये मम्मा ने थोड़ी सी और डाल उसके अंदर डाल दिया कि जो बाकी बच गया है वो भी मम्मा गाल करके उसके अंदर डाल देगी और फिर उसके अंदर डाल के फिर से वापस डाल देंगी। और अब हम इसको करेंगे मिक्स, ये देख सकते हैं आप सब, ये अब हम कर रहे हैं इसको मिक्स। तड़का लगा के थोड़ी देर फिर भी इसको हम देंगे दम ताकि
तड़का और दाल आपस में मिक्स हो और जाए। और आज कितनी प्यारी बारिश हुई है हमारी। और हमने इसको पकाते पकाते भी ऊपर धनिया डाले तो अभी हमारी हो चुकी है हंडी थी। और अब माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और ये हमने इसके अंदर अभी भी धनिया डाला है और गरम मसाला डाला है। और ये एक साइड पे देखें चावल है कितने रेडी हो गए हैं। और मलाइका आप बारिश के बारे में तो कुछ बता दो गाइस, जल्दी जल्दी बताओ वीडियो एंड हो जाएगी। गाइस आपको पता है मैं सुबह सोई तो एकदम इतनी तेज से बारिश हुई मेरी और मम्मा की उससे आंख खुल गई और बस हम खिड़की के साथ बिल्कुल सोए होते हैं। और ये देखें अभी ये इसके अंदर ये हमारे आलू देखें कितने मजेदार रेडी हुए हैं आलू की भुजिया। और अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम धनिया, यानी कि ये अब ये बारिश हो रही है ना यानी कि सर्दियाँ जाने वाली है। वैसे तुक्का लगाया है लेकिन पता नहीं अब जाती है कि नहीं जाती है। वैसे तो जाना ही है उन्होंने अब तो गर्मी था। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार।